हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी स्पुतनिक को, जो 2020 में रिलीज हुई है। ये एक रशियन साइफाई हॉरर मूवी है। इस मूवी को एगर अब्रामेंको ने डायरेक्ट किया है और ये उनकी डायरेक्शन में पहली मूवी है। हम इस मूवी में एक ऐसे क्रिएचर को देखेंगे जो कि एक एस्ट्रोनॉट के साथ अर्थ पर आ जाएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलने शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की स्टार्टिंग 1983 से होती है और हम देखते हैं कि दो एस्ट्रोनॉट्स को मिशन पर स्पेस पे भेजा गया है, लेकिन अर्थ पर लौटते हुए उन्हें स्पेसशिप के बाहर कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद उनका स्पेसशिप बिगड़ जाता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। और अब वो चीज उनके स्पेसशिप के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर शिप जमीन पर लैंड करता है और वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो उनकी हेल्प के लिए वहां आ जाता है। वहां उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो आदमी जिंदा नहीं था और उसका सर भी खुला हुआ था। तभी उसे शिप से दूर आदमी निकलता दिखाई देता है और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें भी पूरी ब्लैक हो चुकी थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में डॉक्टर तातियाना से मिलते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर थी। वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका काफी अलग था। इस वजह से उस पर एक केस चल रहा है, क्योंकि उसने एक 7 साल के बच्चे का एपिलेप्सी का इलाज उसे पानी में डुबोकर किया, जिससे उसके पेरेंट्स ने तातियाना पर केस कर दिया है। और उसी वजह से आज तातियाना से पूछताछ चल रही है। वो अपनी सफाई पेश करती है और पूछताछ खत्म होने के बाद वो जाने लगती है। तभी उसकी मुलाकात कुनोलल सेमिरादिव से होती है और वो तातियाना को एक पेशेंट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक बार उसे देखना चाहिए। अगर तुम्हें केस इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो तुम उसी दिन वापस आ सकती हो और वो उसके बदले में उसका सस्पेंशन विड्रॉ कर सकता है। तातियाना इसके लिए मान जाती है और फिर वो एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर में पहुंचती है। सेमिरादिव उसे बताता है कि कॉन्स्टेंटीन एमनीजिया का पेशेंट है, मगर तातियाना समझ चुकी थी कि बस इस वजह से तो इतनी सीक्रेसी तो मेंटेन नहीं की जा सकती, बात कुछ और है। फिर उसे एक ऑब्जर्वेशन यूनिट में ले जाया जाता है और वहां पर वो देखती है कि कॉन्स्टेंटीन को एक बुलेट प्रूफ ग्लास चैम्बर में होस्टेज बनाया गया है। डॉक्टर राइगल उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पा रहा था। तभी तातियाना उसके बाद अंदर जाती है और वो उससे फ्रेंडली बिहेव करती है और उसे चाय ऑफर करती है और फिर वो उससे कैजुअली पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। कॉन्स्टेंटीन उसे भी वही बताता है जो उसने सबको बताया था, और ये कि उसे लैंडिंग के वक्त का कुछ भी याद नहीं। तातियाना उसकी बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। फिर वो बाहर आने के बाद सेमिरादिव को बताती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, बस उसे थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी है और शायद इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी सेंस एबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसने जो उसे चाय ऑफर की थी वो बहुत गर्म थी। उसे पीना तो दूर की बात है, उस कप को होल्ड करना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन कॉन्स्टेंटीन ने तो उसे बहुत आराम से पी लिया। तातियाना का काम खत्म हो चुका था और उसे कल वापस भेज दिया जाएगा और आज रात उसे यहीं रुकना होगा। उसे एक रूम दिया जाता है, लेकिन रात के 2:30 बजे के आसपास अचानक उसके डोर पर कोई नॉक करता है और वो देखती है तो डोर पर सेमिरादिव होता है। वो तातियाना को उसी वक्त ऑब्जर्वेशन यूनिट में आने का कहता है। तातियाना देखती है कि कॉन्स्टेंटीन के ग्लास चैम्बर के अंदर उसके स्लीपिंग चैम्बर को अलग से ग्लास डोर से सिक्योर किया जा रहा है और अंदर लाइट्स भी कम है। उसी टाइम हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन की बॉडी में कुछ बदलाव हो रहा है और अचानक से वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और तभी एक अजीब सी चीज भी उसके मुंह से निकलने लगती है। कॉन्स्टेंटीन तो बेहोश हो चुका था और वो चीज धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रही थी। फिर सेमिरादिव तातियाना को उसे करीब से देखने के लिए कहता है। तातियाना जो कि पहले ही शॉक्ड हो चुकी थी, मगर उसे इस चीज को करीब से देखना था, तो वो अंदर जाती है और उस क्रिएचर को देखने लगती है। वो क्रिएचर भी उसे अजीब तरीके से देख रहा था और अचानक से वो तातियाना पर हमला कर देता है। उस ग्लास की वजह से उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उससे वो बहुत डर गई थी। फिर सेमिरादिव उसे बताता है कि इसी वजह से उन्हें इस नेशनल हीरो को ऐसे रखना पड़ रहा है। ये क्रिएचर स्पेस से कॉन्स्टेंटीन के साथ आया है और वो उसी के अंदर रहता है, और इसीलिए वो उसे लाया कि वो इस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन से अलग करे।
तातियाना इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसे कॉन्स्टेंटीन के लैंड करने के बाद की हर एक इंफॉर्मेशन, फुटेजेस, रिपोर्ट्स, सब कुछ चाहिए। तातियाना को उसी रात सब कुछ मिल जाता है और सभी डॉक्यूमेंट स्टडी करने के बाद तातियाना को पता चलता है कि ये क्रिएचर शायद एक पैरासाइट है जो कि कॉन्स्टेंटीन की बॉडी को एक कैरियर की तरह यूज करता है। ये दिन में उसके पेट के अंदर ही रहता है, तब उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है और उसे ऑक्सीजन मिलती है तो उसकी हाइट 1.5 मीटर हो जाती है। बाहर निकलते टाइम वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे कॉन्स्टेंटीन का मसल लूज होने लगता है। उसकी सेंस एबिलिटी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और इस टॉक्सिन की मदद से शायद उसका टॉलरेंस लेवल भी ठीक होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से वो बस 2 दिन में ही लैंडिंग के बाद बिल्कुल सही हो गया। ये क्रिएचर हर रात 2:40 से लेकर 3:10 के बीच उसकी बॉडी से निकलता है और 2 घंटे बाद वापस ऐसे ही अंदर चला जाता है और इस पूरा टाइम कॉन्स्टेंटीन बेहोश रहता है और उसे ये तक नहीं पता कि उसकी बॉडी के अंदर एक क्रिएचर रह रहा है। यहाँ के साइंटिस्ट ने उस क्रिएचर को उससे अलग किया था, मगर शायद इस क्रिएचर से कॉन्स्टेंटीन का एक अलग ही बायोलॉजिकल कनेक्शन बन चुका है, इसीलिए उस क्रिएचर से अलग होने पर कॉन्स्टेंटीन की हालत खराब होने लगती थी। और जब उस क्रिएचर को वापस से उसके अंदर जाने दिया तो कॉन्स्टेंटीन वापस से नॉर्मल हो जाता है और पहले से भी ज्यादा फिजिकली और मेंटली फिट हो जाता है। तातियाना को यह भी पता चलता है कि ये क्रिएचर वही खाता है जो कॉन्स्टेंटीन खाता है, मगर एग्जैक्टली क्या, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तातियाना सेमिरादव की मदद से कॉन्स्टेंटीन का फैमिली बैकग्राउंड पता करती है। उसे पता चलता है कि उसका एक नाजायज बेटा है। नाजायज इसलिए कि कॉन्स्टेंटीन ने उस लड़की से शादी नहीं की थी और वो लड़की अब जिंदा भी नहीं है, तो बच्चा अब एक ऑर्फेनेज में रहता है। नेक्स्ट डे इंटरोगेशन के वक्त तातियाना कॉन्स्टेंटीन से इसी बच्चे का पूछती है और वो उसे ये भी बताती है कि सभी लोगों को लगता है कि वो पागल हो चुका है और शायद उसके साथी को भी उसी ने मारा है। ये सुनकर कॉन्स्टेंटीन बहुत नाराज हो जाता है और तातियाना एग्जैक्टली यही चाहती थी। वो सेमिरादव से कहती है कि नाराजगी से उसकी बॉडी में और भी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे और इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करने से हमें ये पता चल सकता है कि वो क्रिएचर एग्जैक्टली क्या खाता है। और तातियाना सेमिरादव को भी सजेस्ट करती है कि कॉन्स्टेंटीन को डे टाइम में चैम्बर से बाहर नॉर्मल लाइफ लीड करने का मौका देना चाहिए, इससे वो डिप्रेशन से भी बाहर आएगा और उसे एग्जामिन करने में भी मदद मिलेगी। सेमिरादव इस बात को मान लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन को एक नॉर्मल लिविंग रूम में शिफ्ट किया जाता है। उस रूम में एक टीवी था तो कॉन्स्टेंटीन उसे ऑन करता है, लेकिन उसमें न्यूज वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, तो कॉन्स्टेंटीन जुगाड़ करके न्यूज चैनल्स लगाता है और उससे उसे पता चलता है कि बाहर के लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो यहाँ फंसा हुआ है और न्यूज में कहा जा रहा है कि वो रिहैब सेंटर में है और एक नकली फुटेज भी बनाई गई हुई है उनकी लैंडिंग के वक्त की। तभी वो किसी के फुटस्टेप्स को नोटिस करता है और वो जल्दी से टीवी ऑफ कर देता है। तभी वहां एंटर होती है तातियाना और वो उसे कल की वजह से सॉरी करती है। कॉन्स्टेंटीन बताता है कि मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं था, स्पेस में जाने से 1 हफ्ता पहले ही मुझे उसके और उसकी माँ के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं वापस आने के बाद उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं यहाँ फंस गया हूँ। उसी रात जब फिर से वो क्रिएचर उसकी बॉडी से बाहर निकलता है तो तातियाना फिर से उसके पास जाती है और इस बार वो नोटिस करती है कि ये क्रिएचर उसकी कॉपी कर रहा है। इसी चैम्बर में एक टॉय था जो कॉन्स्टेंटीन का फेवरेट था। तातियाना नोटिस करती है कि इस टॉय से वो क्रिएचर अट्रैक्टेड फील करता है। तातियाना उस ग्लास डोर को हटाने के लिए कहती है, उसे एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है और फिर वो उस चैम्बर में एंटर करती है उस टॉय के साथ। वो जैसे ही टॉय को क्रिएचर के पास रखती है वो उससे ऐसे चिपकने लगता है जैसे ये उसका भी फेवरेट हो। तातियाना उसे टच करने की कोशिश करती है लेकिन वो फिसल के गिर जाती है और आवाज से उस क्रिएचर का ध्यान भी उसकी तरफ आ जाता है और वो तातियाना पर हमला कर देता है। तभी सेमिरादव उस चैम्बर की लाइट ऑन कर देता है जिससे वो क्रिएचर घबरा जाता है, शायद वो लाइट से दूर रहता है, तभी वो दिन में नहीं निकलता और ना उसके चैम्बर में लाइट होती है। उसी टाइम तातियाना को बाहर निकाल लिया जाता है और वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आता है तो सेमिरादव उससे मिलता है। तातियाना उसे बताती है कि ये क्रिएचर बस कॉन्स्टेंटीन के अंदर रहता ही नहीं है बल्कि सेम फीलिंग्स भी शेयर करता है, लेकिन आगे की रिसर्च के लिए कॉन्स्टेंटीन को मॉस्को ले जाना जरूरी है।
आज तक सेमिराधव उसकी हर एक बात से एग्री कर रहा था, मगर उसे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो कहता है कि इस क्रिएचर का साइज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसे मॉस्को में ले जाना बहुत रिस्की है, क्या पता ये एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाए तो इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। इससे अच्छा उसका इलाज यहीं हो और यहाँ रहते कुछ गड़बड़ हुई तो हमें उसके लिए कॉन्स्टेंटिन को सेक्रीफाइस करना होगा। तातियाना अब फिर से स्टडी करने लगती है और इस बार उसे फुटेजेस से कुछ मिसिंग लगने लगता है। वो राइगल से पूछती है लेकिन राइगल उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो इस रिसर्च को खुद ही कंप्लीट करना चाहता है। उसे नोबेल प्राइज तो चाहिए और वो क्रेडिट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहता, मगर उसे ये भी पता है वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा। तातियाना उसे प्रॉमिस करती है कि ना वो उसका क्रेडिट छीनने वाली है और ना किसी को कुछ बताने वाली है, उसे बस सच्चाई जाननी है जो उससे अभी तक छुपाई गई है। राइगल राजी हो जाता है और उसे गाड़ी में लेकर इसी रिसर्च सेंटर के दूसरे हिस्से में जाता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। वो तातियाना को इसी गाड़ी में छुपकर सब देखने को कहता है। तातियाना देखती है कि ये जगह केज जैसी है और एक प्रिजनर को बांधकर उसी केज में भेजा जाता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तातियाना देखती है कि उसी केज के एक दरवाजे से वो क्रिएचर अंदर आता है और बस एक ही झटके में उस प्रिजनर का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। असल में ये जगह उस ग्लास चैम्बर से लिंक्ड है और जो फुटेजेस मिसिंग थी तो उस टाइम में क्रिएचर अपना शिकार करने यहाँ आता है। गाड़ी में लौटने के बाद राइगल तातियाना से पूरी सच्चाई शेयर करता है। उन्हें जब कॉन्स्टेंटीन मिला था तो उसकी हालत बहुत खराब थी, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। वो जब हॉस्पिटल में था उसी रात इस क्रिएचर ने एक नर्स पर हमला करके उसे मार दिया था और उसके बाद से ही वो फौरी रिकवर करने लगता है। लेकिन इसके बाद इस क्रिएचर को कई अलग फूड देने की कोशिश की गई थी जैसे रैबिट्स और काउ तक, मगर उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर सेमिराधव एक प्रिजनर को सैक्रिफाइस करता है और उससे फिर से कॉन्स्टेंटीन नॉर्मल हो जाता है। तभी से ऐसा ही चल रहा है, हर रात एक प्रिजनर उसका खाना बनता है, मगर इस क्रिएचर के लिए शिकार का डरना बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा डरता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉर्टिसल प्रोड्यूस होता है और शायद यही इस क्रिएचर का खाना है। तातियाना को ये सब सही नहीं लगता कि ऐसे इंसानों को उस क्रिएचर का शिकार बनाया जा रहा है। वो अगली सुबह कॉन्स्टेंटीन से मिलती है, मॉर्निंग वॉक के बहाने वो उसे सच्चाई से इन्फॉर्म करती है, मगर कॉन्स्टेंटीन बिल्कुल रिएक्शन लेस था, ना वो हैरान होता है और ना उसे डर लगता है, बल्कि वो तातियाना को उस रात में मिलने को कहता है। हर रात कॉन्स्टेंटीन को एक स्लीपिंग पिल दिया जाता है जिसके बाद उसे चैम्बर में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन उस रात वो उस पिल को वॉमिट कर देता है। अब वो तातियाना से मिलता है और उसे लेकर एक रूम में जाता है जहां हमें पता चलता है कि दूसरा एस्ट्रोनॉट जिसे हमने स्टार्टिंग में मरा हुआ देखा था वो अभी भी जिंदा है लेकिन होश में नहीं और बहुत ही बुरी कंडीशन में है। और यहाँ पर रिवील होता है कि कॉन्स्टेंटीन को ऑलरेडी सब पता है और जब वो क्रिएचर उसके बाहर होता है तो उसे वही सब दिखता है, वही सब फील होता है जो क्रिएचर देखता और फील करता है, लेकिन सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उस क्रिएचर से ही उसे स्ट्रेंथ मिलती है। अगर उस क्रिएचर को खाना नहीं मिलेगा तो वो भी जिंदा नहीं रह सकता। उसे पता है तातियाना काफी स्मार्ट है, उसे जल्द इन सब का पता चल जाता, इसीलिए उसने ये सब उसे पहले ही बता दिया और वो तातियाना से रिक्वेस्ट करता है उसका साथ देने के लिए। उसे बस कुछ और दिन इस रिसर्च का नाटक कंटिन्यू करना है। कुछ दिन बाद मॉस्को से कमीशन आने वाला है और वो उसे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन उससे पहले सेमिराधव को पता चला कि वो खुद ही अब एक क्रिएचर है तो वो उसे यहाँ से कभी नहीं जाने देगा। तातियाना जब वापस जाती है तो उसे सेमिराधव बुलवाकर उसी केज के पास ले जाता है ताकि उसे सारी सच्चाई पता चले और वो सही से वर्क कर सके उस क्रिएचर को समझने के लिए। इस बार केज में दो प्रिजनर्स को लाया गया है। हर रात की तरह वो क्रिएचर यहाँ आता है और वो हमला करने ही वाला था कि तातियाना उस क्रिएचर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो क्रिएचर उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन तातियाना बिल्कुल भी नहीं डरती और वही सॉन्ग गाना शुरू करती है जो कॉन्स्टेंटीन को सबसे ज्यादा पसंद है। इधर वो क्रिएचर काम होने लगता है और उधर कॉन्स्टेंटीन का सेंस लौटने लगता है, मतलब कॉन्स्टेंटीन इस क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है मगर कुछ हद तक। सबको लगता है कि तातियाना ने कोई रास्ता निकाल लिया है इस क्रिएचर को कंट्रोल करने का और आज शायद किसी की भी जान नहीं जाएगी, मगर तभी एक प्रिजनर भागने की कोशिश करता है और उसकी आवाज से वो क्रिएचर उससे अट्रैक्ट होता है और उसे एक ही झटके में मार डालता है। इस हादसे से सेमिराधव को यकीन हो जाता है कि कॉन्स्टेंटीन इसे कंट्रोल कर सकता है और अगर ऐसा है तो वो उसे यहाँ से कभी भी जाने नहीं दे सकता और इसे वो दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाएगा।
तातियाना अब राइगल के साथ भागने का प्लान बनाती है। राइगल उसकी मदद तो कर रहा था मगर वो खुद यहाँ से नहीं जाने वाला था, उसका कुछ और प्लान है। उसी रात तातियाना कॉन्स्टेंटीन से मिलने जाती है और वो उससे अपना प्लान शेयर करती है। प्लान ये है कि वो कॉन्स्टेंटीन को यहाँ से लेकर निकल जाएगी और बीच रास्ते में उसे एक केमिकल इंजेक्ट करेगी जिससे वो क्रिएचर उसकी बॉडी से निकलने पे मजबूर हो जाएगा, और जैसे ही वो क्रिएचर बाहर निकलेगा वो लोग भाग जाएंगे। सूरज की रोशनी में वो क्रिएचर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा और वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और इसी बीच वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे जहाँ उसका कम्प्लीट इलाज किया जा सकेगा। अब वो दोनों भागने लगते हैं और राइगल हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है यहाँ पर होने वाले इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। सीसीटीवी से सैमी राघव को सब पता चल जाता है और वो राइगल को मार डालता है। इसके बाद वो ऑर्डर देता है तातियाना को मारने के लिए, लेकिन उसे कॉन्स्टेंटीन जिंदा चाहिए। फिर वो लोग उन दोनों को पकड़ने ही वाले होते हैं कि कॉन्स्टेंटीन वो केमिकल इंजेक्ट करके उस क्रिएचर को बाहर निकाल देता है और वो क्रिएचर फिर वहां सभी को मारने लगता है। इसी का फायदा उठाकर तातियाना कॉन्स्टेंटीन को लेकर वहां से निकल जाती है मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि जैसे जैसे वो क्रिएचर उन सोल्जर्स की गोलियों से जख्मी होने लगता है कॉन्स्टेंटीन की हालत भी खराब होने लगती है। उधर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर का सामना होता है सैमी राघव से। वो क्रिएचर पहले से काफी जख्मी हो गया था तो सैमी राघव उसे इजीली कैद कर लेता है और वो उसे लेकर तातियाना को फॉलो करने लगता है। तब तक तातियाना भी समझ गई थी कि उस क्रिएचर के बिना कॉन्स्टेंटीन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, तो वो भी वहीं रुक जाती है। अब सैमी राघव और तातियाना आमने सामने थे। सैमी राघव तातियाना को मारने की कोशिश करता है, ये देखकर कॉन्स्टेंटीन गुस्सा होने लगता है और उसके गुस्सा होने से वो क्रिएचर भी सही हो जाता है और वो वहां सोल्जर्स और सैमी राघव को मार डालता है मगर तातियाना को वो कुछ भी नहीं करता, मतलब कि कॉन्स्टेंटीन अब उसे 100% कंट्रोल कर सकता है। वो क्रिएचर वापस से कॉन्स्टेंटीन के अंदर चला जाता है और हम दूर से कुछ गाड़ियां आते हुए देखते हैं मगर कॉन्स्टेंटीन हार मान लेता है और खुद को शूट कर लेता है और उसके साथ साथ वो क्रिएचर भी खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तातियाना ने कॉन्स्टेंटीन के बेटे को अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि वो खुद भी एक ऑर्फेनेज में बड़ी हुई थी और वो कॉन्स्टेंटीन के बेटे के साथ ऐसा नहीं होने देती और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पुतनिक मूवी की कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मूवी के एंड में कॉन्स्टेंटीन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है क्योंकि वो समझ तो गया था कि वो उस क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है लेकिन वो उस क्रिएचर के बिना खुद जिंदा भी नहीं रह सकता और इस वजह से उसे हमेशा ही कहीं कैद करके रखा जाएगा और उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। इसीलिए वो खुद की जान ले लेता है क्योंकि कोई भी इस तरह जीना नहीं चाहता और वो इंसानों को इस क्रिएचर का खाना बनने नहीं दे सकता। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।